कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिसके द्वारा उसका सीधा संबंध क्रिया से जाना जाता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा। इस वाक्य में सीता लिखना क्रिया का कर्ता है और पत्र उसका कर्म। अतः सीता कर्ता कारक है और पत्र कर्म कारक है। कारक और उनकी विभक्तियां। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का, के, की, अधिकरण कारक मैं, पर या स्थान हो, संबोधन कारक हे, अरे, अहो। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। विशेष, इस ने चिन्ह का सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। इसका वर्तमान काल और भविष्यत काल में प्रयोग नहीं होता है। जैसे अर्जुन ने कर्ण को मारा। बच्चे आम खाते हैं। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता अर्जुन है। इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है। ने का प्रयोग प्रायः भूतकाल में होता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता बच्चे हैं। इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेष, भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। जैसे तुम हंसे। वर्तमान काल व भविष्यत काल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह फल खाता है। वह फल खाएगा। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा से का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे रवि को दिल्ली जाना चाहिए। अजय से पत्थर उठाया गया। उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। विजय से कूदा नहीं गया।